Brought to you by ITEL. Power that helps you to make it bigger and better in life. The new ITEL P series smartphone has it all. आओ जी सर, आप सुनील वाले जी का बताइए कि उन्होंने पंजाबी में की लिखा है। चक दे फट। सारे पंजाब दे प्रशंसकां नूं वधाई। सुनील वालिया जी ने पंजाबी गुरमुखी में लिखा है, दिखाओ जी इनका। बट सिर्फ सारे पंजाब के समर्थकों को, क्रिकेट के समर्थकों को, सारे पंजाब दे प्रशंसक हम भी ताली मारते हैं आज के केकेआर की तरफ से। लेकिन मतलब पंजाब वाले, बिकॉज़ दे हैव सफर्ड अ लॉट ना यार, फैंस कह रहे हैं सारे पंजाब दे प्रशंसकों को बधाई। ऊपर से अजिंक्य देशमुख जी कह रहे हैं अगर 262 भी सेफ नहीं है तो अब कितने रन निकाले, 500। यू किरण राव कह रहे हैं विक्की पाजी बुरा कमाल कर दिता शेरा ने। वाह, वालिया साहब क्या कह रहे हैं? वालिया साहब कह रहे हैं सारे पंजाब दे प्रशंसकां नूं ओके बधाई। अच्छा यार, केक जबरदस्त है सर। ओए होए यार अर्जुन, पिछली बार भी अच्छा था ना केक ग्राउंड में, जो पिछली बार टाइम में आया था। इनफैक्ट मीठा नहीं है ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, होता ना कोई कार। चलो स्टार्ट करो। आशीष ग्रोवर जी कह रहे हैं फॉर ब्रदर्स राहुल एंड जय एंड सिस्टर्स खुशी नेवेली ने, ये क्या गाना था अर्जुन वेली ने जोड़ के गंडा सी मारी। Love Punjab Kings, love you all. उनका वीकेंड है आज तो। आशीष यहाँ पे आए थे, आपको याद है? हाँ, हाँ। उनका भी इंतजार है। जीटीआर भाई आना आपको है? शेखर भाई आए ना? शेखर भाई ने बहुत बुल्ले की टीम आज बताते शेखर भाई। आप अमृतपाल जी कह रहे जिया पंजाब है जो कभी नहीं हुआ, वाओ पंजाब करके दिखा दिया, पहली बार कर दिया, इजी है। और वो कह रहे इंडिया भी जीतेगी, टेंशन ना लो। बिल्कुल बात है पाजी आपकी। दीप संधू जी करेंगे आप खुश नहीं दिख रहे राहुल भाई, पंजाब की जीत पर क्या कह रहे हैं? राहुल रावत की का द शक्ल बस रोने रोक रखा है। और नहीं यार, ऐसी चीजों से नहीं रोना आता भाई। ये बहुत क्रिकेट मैच, आईपीएल के मैचेस पे अगर रोने लग गए ना लोग तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ रह नहीं गया दोस्त। एसपी ब्राड जी है वो करें कहां से आते हैं ऐसे लोग, शेर तो शेर होता है, जानते नहीं पंजाबी क्या कर सकते हैं। राहुल जय खुशी, आरआर और एसजी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं कर सकते भाई। आरआर को ना बोले यार, मैं आज आपके समर्थन में जरूर था तो क्या ये ना करें। वो कह रहे कि आरआर और एसजी ऐसा भाई देवे, आरआर की इससे पहले विदाउट इंपैक्ट प्लेयर थी सबसे बड़ी रनचेज। तो आप देखिए आपका समर्थन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आप हमारी टीम पर भी अटैक कर दोगे वहां पर। एक चीज बाकी एलएसजी वाले के लिए आप बोल दीजिए, एलएसजी भी कर दे एक बार। मुंबई में जाके जो एलएसजी ने किया और शेर तो यार सही बात है, शेर 8-10 टीमों की उसमें पॉइंट शेर में अभी 7 नंबर पे ही है इस जीत के साथ। बैठे बैठे मैं सोच रहा था अभी इस सीजन इस आईपीएल हर रिकॉर्ड टूट रहा है, मतलब जो है टूट रहा है। आप ही का नहीं टूटा 49 वाला। देखो वही मैं बोल रहा कि देखो आरसीबी ही तोड़ दे, रिकॉर्ड टूट रहा है तो ये भी ऐसा लग रहा है कोई बड़ी टीम हो सकता है आईपीएल जीत जाए। हैं रिकॉर्ड टूट रहा है क्योंकि नई कौन सी कौन सी जीतेगी, जो भी नई टीम जीत जाए एलएसजी ही है ऊपर, नई टीम जीत जाए रिकॉर्ड टूट रहा है क्योंकि नहीं नहीं वो देखो एक चीज है इस आईपीएल में जिस हिसाब से और जो रिकॉर्ड टूट रहा है ना उससे एक चीज से तो संतुष्ट रही है कि 49 वाला रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। ये तो हो गया 89 हुआ उस दिन हुआ पर 49 तो नहीं हुआ, 49 वाला नहीं टूटा। माइंड जी कह रहे यू विल नॉट गेट दिस टाइप ऑफ पिचेस इन आईसीसी इवेंट्स इफ यू कॉल दिस मॉडर्न डे क्रिकेट देन आई एम डन विद आईपीएल। मयंक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही पॉइंट है मयंक जी आपका। पिचेस से ज्यादा मैं कहूंगा यार इंपैक्ट प्लेयर वाले ने ना आपको फ्रीडम इतनी दे दी है। और देखो आज ये भी ना भूले जिन्होंने ओपन किया वो फिल सॉल्ट और नरेन थे जो सनराइजर्स ने कर रहे हैं वहां पर आपको, जो पहले बैटिंग करके बना रहे इतने टोटल्स, तो वो एक आपको दे रहे हैं बिलीव कि भैया इस विकेट पे ना रन बहुत है, तो वो भी एक फर्क है थोड़ा सा उसमें भी आप देखिए। ऋषभ मिश्रा जी कह रहे हैं कल माक्रम के एलबीडब्ल्यू को डिस्टेंस फ्रॉम अंपायर नहीं मेजर हुआ क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं थे। आई थिंक वो कह रहे हैं कि क्रीज से जो बाहर रहते हैं क्लियर विजिबल, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं थे इसलिए नहीं किया गया था। ऋषभ जी का ही सवाल था। इसके अलावा जी यश चौधरी जी कह रहे हैं पंजाब किंग्स नीड टू मेक 10 मोर मिस्टेक टू विन आईपीएल। अच्छा मतलब शशांक के लिहाज से कह रहे हैं कि 10 गलतियां और तो 11 प्लेयर्स आपके पास ऐसे होंगे जो शशांक जैसे मिल जाएंगे। ध्रुव राणा जी कह रहे हैं विक्रांत सर एंड राहुल सर दिस इज डिसगस्टिंग फॉर क्रिकेट दैट बोलर्स हैव नो वैल्यू, होप दिस विल नॉट हैपन इन T20 वर्ल्ड कप, फ्यूचर में कोई भी बोलर नहीं बनेगा। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, कल बैंगलोर ने कितने रन बनाए थे? 206 शायद। डिफेंड किए ना उन्होंने, डिफेंड किए नरेन ने 4 में 24 का स्पेल, आज भी नरेन ने 4 में 24 का डाला है, तो ऐसा भी नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा जो आप कह रहे ना बहुत बैटिंग बैटिंग, 10 टीमें होने से कुछ ये हुआ है कि ऑब्वियसली बॉलिंग आपको बॉलर्स हर टीम में पहले एक आधा होता था, अब दो दो तीन तीन हो गए हैं,
जो हल्के बॉलर, हल्के बॉलर्स और इंपैक्ट पे थोड़ी फ्रीडम ज्यादा दे दी। और देखिए, आप चिंता जो कर रहे हैं ना, आप गेंदबाजों की कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि बल्लेबाजों का भी आप देखिएगा, जैसे ही ये ग्रेजुएट होंगे और ऊपर जाएंगे, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो यार यू विल बी एक्सपोज्ड, यू विल बी फाउंड आउट। हाँ, बट ये है कि इसीलिए आपको देखो, इसीलिए जो हम कह रहे हैं ना कि लेके चलो फलाने को मार दिए, चलो जी इसको खिला दो T20 वर्ल्ड कप, तो इसीलिए आपको पहले उनको ग्रूम करना पड़ेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जब वो थोड़े बहुत रवा हो जाएंगे उसके बाद आप खिलाइए। मैं आपके बॉलर्स इवन गेंद बैटर्स भी आपके, आज यूवी ने बोली दिया ना, यूवी ने जो बयान दिया बड़ा सुलझा हुआ बयान दिया भाई, बड़ा अच्छा दिया। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल जो युवराज सिंह ने कहा है, और युवराज सिंह ने किसी और के लिए नहीं, अभिषेक शर्मा के लिए कहा है, जो बोल रहे हैं कि जी अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड कप लिखा, और एक वर्ल्ड कप जाएंगे नहीं चल पाए ना, यहाँ उनको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये बड़ा सोचा सुलझा, मतलब ये नहीं कि कुछ भी आके बोल दो यार ये लेके जाना है वो लेके, बिल्कुल सही बोला है युवराज सिंह ने। अंकित गोयल जी कह रहे हैं, अगर पंजाब ने पहले शशांक और आशुतोष को ऊपर बैटिंग करने भेजा होता तो आज पंजाब 0.7 में टॉप 4 में होती, क्या लगता है आप सबको? बट यार देखो, नंबर 4 से ऊपर तो फिर भी नहीं खेलते, मतलब क्योंकि नंबर 4 ठीक है, जो उनके पास बैटिंग लाइनअप है उसमें वो मतलब ओपन या 3 करते नहीं दिखते आपको, तो वो चीज भी थी, और शायद आपके साथ जो हुआ टॉप वो तो 4 आज आपके लिए खाली हो गया ना, नहीं तो लिविंगस्टन खेल रहे थे 4 नंबर, आशुतोष और शशांक भी एक तरीके से निखर करता भाई, जो आपने कोलैप्सिस देखे तभी उन्होंने वो एक आउटस्टैंडिंग उसके बाद अगला किया है, तो आई थिंक ठीक है अभी भी उन्होंने जो किया है। नितिश शर्मा जी कह रहे हैं, आर सीनियर प्लेयर्स शुड वॉच दिस क्रिकेट बट मैक्सिमम टाइम इज ऑफ अभिषेक बट वेरी लेस टॉक्स ऑन शशांक एंड आशुतोष, इवन बोथ स्कोर्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये पंजाब आज जो है, मतलब जो भी कहो, पंजाब में आज अगर लड़ने का जज्बा है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये दोनों को जाता है, आशुतोष और शशांक, ये दोनों को जाता है 100% यार, दे मेड देम बिलीव। प्रभ सिमरन ने आज एक इनिंग खेली है, प्रभ सिमरन को अपनी एबिलिटी पे पहले से विश्वास होना चाहिए था, जॉनी बेस्टो ने आज इनिंग खेली है, जॉनी बेस्टो को भी अपनी एबिलिटी में पहले विश्वास होना चाहिए था, और ये फैक्ट है। पंजाब देखो, अगेन सिंगल स्वॉलोज डोंट मेक फॉर अ समर, कि आज पंजाब जीत गया तो कैलकुलेटर निकाल लो जी, 5 जीत जाएगा तो 8 जीत जाएगा तो पहुंच जाएगा, आई नो बहुत मुश्किल है, बट अगर आज पंजाब हो ना आप, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, आज आपको रिग्रेट सबसे ज्यादा होगा, प्रभ सिमरन आज खुश भी होंगे और अपने से नाराज होंगे। और इवन सर मुंबई वाला मैच जो हुआ था उनका, आप हर मैच उठा के देख लो, मुंबई तो बिल्कुल ऐसा था कि प्रभ सिमरन का एक बात बताऊं, आज तो मतलब आपको उनके लिए खड़े होके ताली बजानी पड़ेगी, मतलब राहुल लेकिन आज प्रभ सिमरन को रात को नींद आ जाएगी कि मैंने पहली इनिंग कैसे वेस्ट की है, पिछला सीजन आज लोग एक इनिंग्स 100 फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर, मतलब इक्के दुक्के इधर उधर, मतलब नथिंग ऐसा कोई, और उसके बेसिस पे वो हर गेम्स इंडिया की टीम में आ गए, तो हर सीजन आप हर सीजन एक पारी खेलने के लिए अगर आप खेल रहे हो फिर मैं तो यार आप कतार लंबी होती जा रही है, ये पारी शायद पहले आई होती ना तो प्रभ सिमरन लोग आपसे पीछे, आज प्रभ सिमरन ने आज ये पारी खेली है, इस पारी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज पंजाब जीत गया, उन्होंने पंजाब को वो शुरुआत दे दी, एक आउट ऑफ फॉर्म जॉनी बेस्टो को उन्होंने वक्त दे दिया, और जॉनी बेस्टो ने जो पारी खेली, ऑफ कोर्स शशांक का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, बट प्रभ सिमरन बिलीव आई एम सॉरी टू से आज भी वहीं खड़े हैं जहां पर खड़े, इसीलिए आज रात उनको नींद नहीं आनी चाहिए जीत के बावजूद, जब मैंने किया है पोटेंशियल है तो यार करता पहले, एग्जैक्टली, और पंजाब की टीम बैठे ना आज, मैं कहता हूं आज उस टीम को खुशी भी होगी और रिग्रेट भी होना चाहिए कि यार हमने किया क्या है यार, हमने किया क्या, हमने आज आईपीएल इतिहास, इन्होंने किस किस को हराया, इन्होंने किस किस को हराया पंजाब ने, इन्होंने गुजरात को हराया था, गुजरात टॉप टीम थी जिस वक्त हराया, आज उन्होंने मतलब अमेजिंग टीम को उनके घर पे जाके इतने रन के बावजूद हराया, और एक इन्होंने पहला मैच दिल्ली को हराया था, सो आप में क्या कमी है, आपको बैंगलोर वाला मैच भी जीतना चाहिए था बाय द वे, आपको मुंबई वाला मैच भी जीतना चाहिए था, कम से कम ये 2 मैच तो उनको जीते हुए थे, चलो बैंगलोर भी मतलब नहीं, और वो भी जीतना था, एक मैच वो भी तो था जिसमें फिनिश नहीं कर पाए, उनको जीतना चाहिए था, उन्होंने मैच बना दिया पंजाब, अरे नहीं नहीं आप साइड में थे, 100 रन इन्होंने बना दिए थे जब मयंक यादव, मयंक यूपी वाला, मयंक यादव नहीं मैं अवार्ड वाले देखा, 100 for no loss 200 for no loss 100 में हो गए, बन गए थे वो, हार गए थे, उसकी सारी विकेटें बची हुई थी, लाइन लग गई थी। ईशान जी कह रहे हैं, शशांक और दुबे इनका परफॉर्मेंस का क्या फायदा जब सीनियर प्लेयर्स का ऑब्सेशन खत्म नहीं होता, विकी पाजी आप एक बार सेलेक्टर्स का इंटरव्यू की
फिर आप टफ क्वेश्चंस पूछेंगे, लव यू लव नहीं, बट इंटरव्यूज अलाउड ही नहीं है ना उनको. हो सकता है वो अपना यूट्यूब चैनल ले आए. अच्छा, इस सीजन 200 की सक्सेसफुल चेज दो ही बार हुई है और दोनों बार पंजाब ने करी है. राजस्थान ने भी करी थी ना. ओ सॉरी, राजस्थान ने केकेआर को. नहीं, उस दिन पारस सेठी ने भी तो 200 चेज किया था. पारस सेठी जी क्या कह रहे हैं आपको मालूम है? क्या कह रहे हैं? गुड इवनिंग सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर पंजाब विन. सर अब तो राहुल सर को आप लोगों को साथ पंडारा रोड जाना चाहिए आफ्टर द बिगेस्ट. हाँ बोली, तालियां. आज नहीं, इस दिन दोपहर में चलेंगे. अच्छा, वो कह रहे हैं कि सेलिब्रेट किया जाएगा जब आप देखो अगर लंच पे अगर आप जा ही रहे हो तो ऐसा भी करो ना कि वहां पे और लोग भी आ पाए. अब रात को यार 2:30 बजे. ये बड़ा अच्छा आइडिया है, हम किस दिन में ही कर लेते हैं ना प्लान. अभी तो आईपीएल में फिर थोड़ा दिन में टाइट, 1:30 बजे. अभी तो हाल फिलहाल में भी सिलेक्शन का भी देखना पड़ेगा ना, कब टीम आ जाए पता नहीं है. हाँ, कल मीटिंग है क्या पता. अनाउंसमेंट शायद आपको 2-3 दिन बाद हो, बट कल हम आपको सब बता. कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मिस्टर शेखर. मिस्टर शेखर इज हियर. 2021 से देख रहा हूँ, चैलेंज हार गया बट विकी पाजी को देखकर बहुत खुशी मिली. नहीं तो पंजाब किंग्स ने सिर्फ इनको शर्मिंदा किया है. मेरे धीरज भाई का जो खून आरसीबी ने चूसा, पंजाब किंग्स ने वापस खून भर दिया. और भाई मेरे लिए कुछ नहीं है, उस टाइम लपेटते टाइम तो तीनों जो 10 नंबर की टीम को सपोर्ट कर रहे हो. मिस्टर शेखर कम ऑन. शेखर यार आरआर के लिए नहीं बोले, पता है क्या भाई. बट एक बात बताऊं, उनको पता है आपकी राजस्थान अव्वल नंबर है. मेरे और धीरज के लिए बात कर रहे हैं कि इनके टूटे हुए दिल जो लोगों के सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो चुके हैं, आपने भरे. मैंने अपडेट करे हैं, ठीक है. नोकिया में अमेरिकन पिस्ताचियोस ऑन करता हूँ. अमेरिकन पिस्ताचियोस आज किसने भिजवाए? मनोज ने. आज मैंने. अच्छा भाई, तभी यार cricket.com पे आज तो मतलब बल्ले बल्ले होगी होगी. बल्ले बल्ले का तो आज तारा सितारा सब थे. जॉनी बेस्टो यार, मैं ना एक बात बताऊं, मेरे माइंड में आया cricket.com फैंटेसी पे कि जॉनी बेस्टो को आज कप्तान बनाऊं. फिर मुझे लगा पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. मैंने उनको टीम में तो रख लिया था, लेकिन मेरे जो कप्तान थे ना आज, इनफैक्ट मेरे वाइस कैप्टन जो थे, उन्होंने मेरा बड़ा नुकसान किया. अर्शदीप ने. ओह, अर्शदीप को भी सर इन सब के बीच. हाँ, इंडिया के लिए. हाँ, मेरे कप्तान जो है उनका तो कुछ हुआ ही नहीं आज, सैम करन. तो मैं तो cricket.com पे हारा हूं, और जो मेरा चैलेंज है वो तो लोग सारे धीरज भाई भी आज हारे क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मिचेल स्टार्क को कैप्टन बनाया था. वो स्किप हो गए थे तो वो आज टीम में से स्किप हो गए. इनका बड़ा जबरदस्त नरेन कैप्टन, फिल सॉल्ट वाइस कैप्टन, फिल सॉल्ट कैप्टन, नरेन वाइस कैप्टन टीम में बेस्ट. शशांक आकाश का अभी अभी मैसेज आया. आकाश आप लोग पहले तो केक खाने आओ. कहाँ है आकाश? और केक खाने का जल्दी आओ, खत्म हो जाएगा. नहीं केक खाने की एक वजह है और अदर देन पंजाब. ये आकाश का मैसेज देख रहे हैं आप? ओ, स्पोर्ट्स तक हमारी जो वेबसाइट है www.thesportstak.com. इस आईपीएल की हाईएस्ट एवर रेटिंग आ गई है. वाओ, इस वक्त हाईएस्ट एवर जो लाइव लोग वेबसाइट पे भी है, यहाँ पे तो है ही है. वेबसाइट पे इस वक्त धड़ाधड़ नए जो यूजर्स हैं वो भी आ रहे हैं. वेबसाइट है www.thesportstak.com. वाह यार वाह, पता नहीं आकाश आ रहे नीचे. एक और रीजन टू सेलिब्रेट. अभी अभी आकाश का मुझे व्हाट्सएप आया, हमारी जो वेबसाइट है www.thesportstak.com, उसने इस आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. अभी अभी एज वी स्पीक, आज इस वक्त आज हजारों लाखों लोग जो हैं वेबसाइट पे जाके खबरें देख रहे हैं इस चेज के मुतल्लिक, उन खिलाड़ियों के बैकग्राउंडर. और एक बड़ा अच्छा फीचर है हमारी वेबसाइट पे, वो है द फॉरगॉटन हीरोज, आईपीएल हीरोज. जैसे स्वप्निल असनोटकर, उस तरह के कहां गए? गोवा. मनप्रीत गोनी कहां गए? वो लोग कामरान खान अच्छा, जॉनी बेस्टो ने शशांक की बड़ी तारीफ करी है, उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज और क्लीन हिटिंग को लेकर. कहा कि भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग स्पेशल प्लेयर. उन्होंने कहा कि भाई मतलब वही जो लास्ट में कह रहे हैं कि रन ही उन्होंने बना दिए बाद में, भले स्ट्राइक भी उनके पास ज्यादा रही बट यार प्रेशर अपने मतलब एक वो होता ना कि अपने. और सैम करन ने वही कहा कि भाई क्रिकेट इज टर्निंग इनटू बेसबॉल. वो बैस बॉल तो खेल रहे हैं, वो अपना खेल रहे हैं, बट वो कह रहे हैं इट्स टर्निंग इनटू बेसबॉल. सी बॉल हिट बॉल स्टांसेस लाइक फिल सॉल्ट एंड जेक फ्रेजर मैकगर. आई होप वी लर्न, इंडिया लर्न्स. नेत्रा जी हैं वो कह रहे हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये वाला सबको फेयरवेल में जाना है. नहीं ऐसा भी नहीं है. देखो मैं तो बल्कि ये मानता हूं कि हो सकता है इंडिया सरप्राइज कर दे इस बार हमें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से.
अब जो टीम चुनी जाएगी वी विल बी विद देम, जीतेगा तो इंडिया। शुभमन गिल ने यार इतनी बड़ी बात बोली है, कि यंग लड़के ने, उन्होंने कहा यार 900 रन बना के भी मैं अगर टीम में नहीं हूं तो कोई बात नहीं, मैं यहां से चीयर करूंगा, इससे बड़ी बात यार। हम भी चीयर करेंगे। द आयुष शर्मा जी है, वो कह रहे हैं ड्यू टू दीज मैचेस बैटर्स आर वाइट कॉलर्स हैशटैग आईटेल का उन्होंने इस्तेमाल किया है, आईटेक का आप इस्तेमाल आईटेल सवालों में, हाँ आईटेल, तो आपको क्या है स्मार्ट वॉच गिव अवेज जो है उसकी दौड़ में आप आ जाओगे, तो वो भी करो। और आईटेल के फोन्स भी बड़े जबरदस्त है, एसके चौधरी साहब को आज एक वॉच मिल चुकी है स्मार्ट वॉच, उन्होंने हैशटैग आईटेल नहीं यूज किया पर फिर भी हमने दे दिया। और एक और था ना, एक वो उनका नाम शॉर्टलिस्ट किया हुआ, शॉर्टलिस्ट किया हुआ। ऋतिक जैन जी कह रहे हैं हाय एवरीवन, आर वी रियली गेटिंग आवर बोलर्स रेडी फॉर द वर्ल्ड कप बाय गिविंग देम सच पिचेस, वर्स्ट आईपीएल किलिंग द एसेंस ऑफ क्रिकेट। और के सी वाई जी है, वो करेंगे फ्रॉम कैनेडा, कैंसिल्ड ऑल माय कॉल्स टू वॉच योर शो। बहुत स्पेशल है आप, देख रहे हो आप काम, बहुत बहुत शुक्रिया, देख रहे हो शुक्रिया यार। और आपने हमें चुना, मतलब ऑब्वियसली आपकी टीम जीती है उसकी खुशी का आप हमें हिस्सा बना रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शलभ जी कह रहे हैं कल आप सब कंसिडर ही नहीं कर रहे थे पंजाब को, बाय द वे ये शशांक को गलती से खरीदा था पंजाब ने, अब वर्ल्ड कप टीम में जगह मिल जाए ये दुआ करो। किसी भाई ने बोला ना कि इसी तरह की गलती 10 गलतियां प्लेइंग 11 की उन्होंने कहा था कि 10 और। हरप्रीत जी कह रहे हैं शशांक का बैट स्टांस एक खौफ नहीं पैदा कर रहा क्या बोलर्स, मतलब कह रहे हैं कि उनकी इंटिमिडेशन फैक्टर की बात कर रहे हैं हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत सिंह जी, निशांत राघव जी हमारे जैसे आप भी बताते हैं ना, वो अच्छा आता है सक्सेस रेशो राहुल भाई, कल आपने बताया ना 76% था सर का, सर ने भेजा था, तो ऐसे नितिन सर का, तो ऐसे निशांत राघव है कह रहे जिसको बिलीव ना हो ट्वीट चेक कर सकते हैं, बोला था मैंने पंजाब विल विन टुडे एंड इधर बेस्टो और जितेश डे, हैदराबाद को किया था तभी तो कि वो वापस आ गए लाइफ, मतलब ऐसा मैच जितवा देना उन्हें आज कल, आई थिंक इनका मैसेज आया था कुछ, ये देखा था मैंने, देखा था इन्होंने कल हैदराबाद को जिताया था, बट हाँ एक बार कट ऑफ आपको बता दें कि हो चुकी है दोस्तों। अब जो सवाल, क्योंकि कल डबल हेडर भी है तो यार कल हम आपके सवाल वैसे ही नहीं ले पाएंगे, बट ड्यूरिंग द प्रीव्यू शो जो हम 2:30 बजे आएंगे उस टाइम आप सबके सवाल, और इस मैच के तो अभी तक आपने जो भेजे वो सारे के सवाल लिए जा रहे हैं, तो इस पर हम आपको जो है अपडेट ये दे रहे हैं, तो मिलेंगे जरूर, पर अभी मत भेजिएगा क्योंकि फिर थोड़ा सा शो भी बड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा आपके भी सवालों का वेट करते रहोगे कब तक आएंगे। गुरसेवक जी हैं, गुरसेवक सिंह जी, वो कह रहे हो जी पंजाब की टीम तो रिजाइन नहीं देना कदे जो मर्जी होवे, हर बॉल के साथ आपके फर्स्ट 6 ओवर की कमेंट्री सुनी मजा आ गया, बिग फैन फ्रॉम 5 पहले 6 ओवर अभी उसको बोल दिया मैंने, अभी सौरभ बोल दिया वो तो ऐसा था कि मतलब उसका टाइटल पहले 6 उस टाइम तो पहले 6 ओवर मतलब हम भी ऐसे लगे हुए थे, पर ठीक है यार वो होना चाहिए, ये आपका अभी एड्रेनलिन वो नेचुरल भी था ना उस टाइम की, भाई चलो जी ये यार आप लोगों ने शुभमन गिल का इंटरव्यू नहीं देखा, वैसे कमाल है यार, मैं इन लोगों से इतनी बहस कर करके रात को इंटरव्यू लगाया और ये जीत गए मैं हार गया, आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा, बताओ यार मुझे जिताओ ना यार, आपको भी जिताएंगे सर, और क्या है थोड़ा केक खिलाओ यार, बिल्कुल बिल्कुल ये लीजिए आप खुद भी पीस ले लीजिए। इसके अलावा रितेश अग्रवाल जी को शाउट आउट है, राजन शर्मा उनका जन्मदिन है, मेरे बर्थडे पर पंजाब जीता, आई एम वेरी हैप्पी, वो पटियाला से पटियाला तो है अपने प्रा, ओ पाजी तानू हैप्पी बर्थडे, और राजन प्रा जन्मदिन दी लक लक बधाइयां, बाई नंबर फाटक ते जाके करो पार्टी, पार्टी करो वीरे, बाई नंबर फाटक तो जाके पार्टी करो। द हैकर जी हैं, वो कह रहे हैं क्या आज की पारी से प्रभ सिमरन को वर्ल्ड कप में खिला सकते हैं, पाटा विकेट पर कल के रन से पंत को वर्ल्ड कप की वकालत कर सकते हो, तो प्रभ सिमरन क्यों नहीं यार, फर्क है प्रभ सिमरन का बहुत फर्क, देखो इंटरनेशनल खेला हुआ कोई हो और थोड़ा फर्क है, जो आई थिंक यूवी पाजी ने बात, प्रभ सिमरन की आज ये एक पारी आई है, मतलब यार ये डिस्कशन भी नहीं बनता, हमने आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी वही अपने आप में बड़ी, पंत को भी खुद को प्रूव करना है वर्ल्ड कप में, बट अभी आप प्रभ सिमरन और पंत को एक साथ रखो और बोलो, और कल की पारी नहीं थी भाई, ऋषभ पंत को आप इतना तो क्रेडिट दो जो उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में उससे जो किया है, अभी भी जो रिकवरी करके परफॉर्मेंस करी इसे आईपीएल में ही आउट ऑफ, पहला कॉम्पिटेटिव गेम खेला ना यार साल डेढ़ साल बाद, उसके बाद 20 से ज्यादा खतरनाक तो टेस्ट होता है ना, और रेड बॉल क्रिकेट में जो प्रूवन हो, देखो टेस्ट में उनके सवाल ही नहीं है, बट एटलीस्ट आईपीएल में भी यार जिस बंदे ने बल्ला ना पकड़ा हो, कॉम्पिटेटिव गेम ना खेली हो, वो आकर फंसे भी एक मैच, बट उसके अलावा उनकी मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, चेन्नई वाली गेम कल की गेम, तो उनके साथ अभी प्रभ सिमरन वाला डिस्कशन बिल्कुल भी फेयर नहीं है, प्रभ के ऊपर डिस्कशन हुआ था पहले जो आई थिंक बिल्कुल वैलिड था। ऐश जी कह रहे हैं इंडियन प्लेयर्स का तो पता नहीं, स्टॉइनिस मिलर बेस्टो बाकी सब टीम्स के प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी तगड़ा हो, डराने वाली बात है वैसे,
यश वर्मा जी को भी शाउट आउट है, राहुल रॉबिन हमारे भाई क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आए भी थे हमारे साथ और शोज भी करते रहते हैं, आप इनके शोज जरूर देखें। वो कह रहे हैं कि उन्होंने प्रीति जिंटा और जॉनी वेस्टो को मिलाकर एक बनाया, कहते जॉनी जॉनी, वो कहते यस प्रीति, वो कहते ईटिंग के आर बोले, वो कहते कि नो प्रीति, वो कहते टेलिंग लाइज, कहते नो प्रीति, वो कहते शो योर स्कोर बोर्ड, तो बोलते तो बोले तारा रारा। राहुल रॉबिन जी, यश वर्मा जी, प्राण कृष्ण दास जी हैं, वो कह रहे व्हेन केकेआर लूजेस इट्स लाइक पार्टी है। अरे यार फिर से वही बात है, मैंने यही बोला था कि हमने उनकी हार देखो, एक चीज बताते हैं, केकेआर की हार हमने नहीं सेलिब्रेट की, हमने पंजाब की जीत की है यार, ठीक है उसको गलत वे में मत लो यार, एक टीम तो हारती है। एक उनका पॉइंट इसलिए भी फेयर हुआ, केकेआर का देखो लास्ट गेम जब वो जीते, और मैं उस दिन केकेआर भी सपोर्ट कर रहा था, वो दो थे, दो मैच थे, तो दिन का मैच आप हार गए थे, आरसीबी हारी, केकेआर जीती, उस दिन चर्चा ऑब्वियसली हुआ था कि आरसीबी कैसे हार गई, कहां से हार गई, बट क्योंकि आरसीबी का गेम ओवर हुआ, केकेआर की भी उस दिन तारीफ हुई, बात हुई, बट क्योंकि यार मैच अगला था तो आपको अगले, आपको अभी भी वरी नहीं है बॉस, आप अभी भी टॉप फोर की, धीरज भाई और राहुल भाई इन दोनों की टीम्स केकेआर भी इन द टर्म्स ऑफ सेकंड, और इन दोनों ने टूर्नामेंट से पहले, मतलब ये नहीं कि अभी बीच में परफॉर्मेंस देख के, उन्होंने बोला था भाई कि टॉप फोर क्या टॉप टू की टीम्स और इवन जीतने वाली टीम, और वो सपोर्ट करते हैं हर एक मैच। आज तो लाल में कंफ्यूज होके पंजाब की तरफ, आज लास्ट में समीर ने ना अमेरिका से दो मैसेजेस भेजे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि एज मच आई अप्रिशिएट पंजाब फॉर द विक्ट्री, आई वांट टू अप्लॉड मनोज एंड धीरज बिलीफ पंजाब विल विन। देखो ये था कि मरते क्या ना करते, जो भी है जो भी है, बट 100% यार मनोज, खुशी की भी बात सही हुई, 100% पूरा, उन्होंने शाम को कहा 50-50 और साथ ही बोल दिया 260, मतलब जो भी है यार, और उन्होंने लेकिन समीर ने जो मेन बात उनकी टैगलाइन आज की, गदर 2 बीट्स पठान एट द बॉक्स ऑफिस। क्या गदर 2? सनी पाजी के साथ हीरोइन कौन थी? हीरोइन तो अमीषा पटेल थी, तो फिर कैसे वहां पर वो नहीं बनता, तो शायद पंजाब और पठान और उसका शाहरुख खान हो गया ना, नहीं और वीर जारा वगैरह पे होना चाहिए था, वीर जारा का कुछ चाहिए प्रसन्न, और यार प्राण कृष्ण जी ऐसी कोई बात नहीं यार, केकेआर को भी अप्रिशिएट करते हैं यार, दिल छोटा होगा, टॉप फोर की टीम है केकेआर, ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम सबको बड़ी पसंद भी और हम डरते भी हैं, केकेआर से आरआर खेले, लखनऊ खेले, पंजाब तो बजा के चले आते हैं, इनको तो मतलब सपनों में आके मारते हैं केकेआर के प्लेयर्स, मतलब धीरज भाई को तो जब से मैं जानता हूँ वो, और इवन मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए भाई बोगी टीम है, पिछले 2-3 बार जब प्ले ऑफ का चांस था केकेआर ने फंसा के हमें बाहर किया है, तो ये भी एक फैक्ट है। प्रसन्ना जी कह रहे हैं, हाय विकी पाजी, हैव बीन अ डाई हार्ड फैन पंजाब ऑफ पंजाब सिंस द फर्स्ट आईपीएल, एक बात याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जो आईपीएल पंजाब ने ट्रॉफी बॉटल करी थी उसके फाइनल में पंजाब ने संदीप शर्मा को जो है बेंच किया था वहां पर, वो उनका दर्द जो है वो छलक रहा है 10 साल से। रूपल जी कह रहे हैं कि लव यू गाइस, जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग एमआई वर्सेस सीएसके एल क्लासिको, इट इज नो वेयर नियर व्हाट एल क्लासिको स्टैंड्स फॉर, इट हर्ट्स अ लॉट एज अ फुटबॉल फैन यार, उसको हम इसीलिए आईपीएल का वो बोलते हैं, और हमें भी मतलब हालांकि बाकी लोग तो फिर भी बहुत ज्यादा फुटबॉल वगैरह फॉलो करते हैं, बट एल क्लासिको को हमें पता ही है कि भाई वो फुटबॉल में उसका एक अलग ही मतलब महत्व है। यश वर्मा जी कह रहे हैं, सर डू यू फील शशांक को वर्ल्ड कप चांस मिलना चाहिए, ही इज नॉकिंग एट द डोर। यार देखो कल आपकी टीम चुनी जानी है, कहां से आएंगे वो, वैसे 28 बॉल में 68 है, लड़के में जज्बा तो है, आपको भी पता है कि वर्ल्ड कप की सिलेक्शन एक ऐसी होती है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कप कुछ अनाउंसमेंट है कुछ। आपको सब मिलेगा स्पोर्ट्स तक पे और आज तक पे और इंडिया टुडे पे, और जो हमारी वेबसाइट है www.thesportstak.com उसका तो वैसे ही आप सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। रमनप्रीत जी आपको शाउट आउट है और आपको बधाई है, आप जश्न में जो है शरीक होने आए थे, तो हम बाकी आई विल ऐड कि क्रिक रॉकेट जो हमारा ऐप है उस पर आपको वर्ल्ड कप की सारी लाइव स्कोर रॉकेट की तरह सीधा अमेरिका से और वेस्ट इंडीज से, आज तो चौके छक्कों के, आज तो क्रिक रॉकेट भी, आज रॉकेट हुआ, रॉकेट में भी फ्यूल वगैरह कुछ जलता होगा ना, वो रॉकेट क्रिक रॉकेट भी रॉकेट ही हुआ है आज। हरवीन जी कह रहे हैं, पाजी सॉरी नॉट अ गुड फॉर गेम, एनए रन नो कॉम्पिटिशन भी कंपटीशन भी तो ये बैट एंड बॉल बिटवीन यार मेरे यार, उन्होंने पंजाब में कुछ लिखा, मैं गलत इंग्लिश करता हूं, तू गलत मिल गया, उन्होंने बोला एनए रन, मुझे लगा पंजाबी में कुछ लिखा एनए रन, हां बिटवीन बैट एंड बॉल, बट आपने प्लेयर का जूस निकल जाएगा बिफोर वर्ल्ड कप। सत श्री अकाल जी हरवीन जी, कोई नहीं, हम इतना पिटाई खा के ना पाजी वहां की विकेटों पे हमें लगेगा कि हमने मास्टरी कर ली है, कोई नहीं। प्राण कृष्ण जी हैं, उन्होंने वही बोला कि ब्रिंग
डाई हार्ड फैंस ऑफ ईच टीम, अदरवाइज इट्स सो बायस. कभी केकेआर जीते तो पार्टी मनाए आज जैसी. फोर इयर्स विद स्पोर्ट्स तक एंड टुडे इज माय लास्ट डे विद स्पोर्ट्स तक. मैं प्रॉमिस करता हूँ आरसीबी तो नहीं है, अगर केकेआर जीती तो पार्टी मैं लेके जाऊंगा सबको. धीरज भाई की तरफ से होगी. और यार हेलो, एक मिनट, क्या नाम था इनका? प्राण भाई, प्राण कृष्ण दास. प्राण कृष्ण दास जी, चार साल में आपको मौका ही नहीं मिला कि यहाँ पर केकेआर की किसी ने प्रेज की हो. नहीं कर, आप इसी आईपीएल में दिन उठा लो. राहुल रावत यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है. ही इज नीदर फ्रॉम कलकत्ता नॉर फ्रॉम जयपुर. ही वियर्स बोथ द कलर्स ऑन हिज स्लीव. डू यू और डू यू नॉट? नहीं नहीं, मतलब यू डोंट. चलो उन्होंने कह दिया कि नहीं, इंडिया कलर इंडिया होता है यार अपना कलर. यार वो केकेआर की बात कर रहे हैं, पहले केकेआर का. यार मेरे को तो देखो, अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी टीम है, बहुत अच्छी बात है. एंड होनी वाली बात करते हो, हर बार जीतते हो. दे एक टीम दूसरी हार जीत गई तो क्या हो गया भाई? यार नहीं, फैंस का मैंने देखा कि इवन हम भी, मतलब क्योंकि हम तो यहाँ पर काम करते हैं तो हमें नहीं फील होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं. एक फैन इसीलिए आता है कि यार मेरी टीम, मतलब वो लगता है उसको कि मैं वहां पर हूँ, मेरी टीम का जश्न मन रहा है या कोई मेरे लिए बोल रहा है वहां पर. सपोज आज केकेआर की अगर कोई खामियां बता दो तो उनको लगता है कि ये बोल रहा है, देखो ऐसी चीज मुझे फील हुई थी. तो वो शायद लगता होगा गेम एक रिजल्ट तो आएगा, एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी. उनका पॉइंट इसलिए भी फेयर हो गया क्योंकि चलो यार केकेआर रिंकू सिंह ने छक्के मारे तो आप लोगों ने मातम मनाया था. अरे हम तो लाइव थे उस दिन, हम तो पागल थे उस दिन. कैसी बच्चों वाली बात, लाइव थे रिंकू सिंह के. तुम केकेआर को सेलिब्रेट नहीं करते? अब कम ऑन यार. सर ये केकेआर चिन्नास्वामी में हरा के गए थे और मैं इनको देख के बोल रहा था, मतलब कि यार देखो इनसे सीखो, ये पेस ऑफ कर करके वहां पे विकेट लेके गए थे. तो अब तब भी बाकी मेरे भाई आपकी मर्जी है. हम यार ऐसा किसी टीम के साथ नहीं यार, इवन पंजाब. आप कभी कभी तो पंजाब के लिए बोलते ना, लखनऊ. आई थिंक लखनऊ के लिए तो फिर भी कम लोग बोलते हैं. बट एक बार इनका नाम दिखाना. प्राण भाई है, कोई नहीं, आप नहीं जाओगे कहीं, टेंशन मत लो. चलो प्राण कृष्ण जी, सॉरी यार अगर आपको इस बात का बुरा लगा है और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बायस्ड हैं लोग, तो आप एक काम कीजिए, बेहतर है कि आप कर दीजिए. आपको नहीं देखना मत देखना और अपने केकेआर ऐसे. बट ये भी याद रखना कि केकेआर के साथ 9 टीमें और भी हैं, वो हारेंगी. आज वो शशांक ने मैच विनिंग शॉट मारा, उसके बाद वो सेलिब्रेट कर रहे थे. जॉनी बेस्ट और राहुल चेयर दौड़कर आते हैं, उनके गले लिपट लेते हैं. कल को ये प्लेयर जो है ना, इनको भी मत देखना, इनको भी मत देखना. आप जब ये इंडिया के लिए खेलेंगे या कभी कुछ होगा, इनको भी मत देखना. पर अमृतपाल जी हैं, वो कहेंगे राहुल सर साथ खाने से नहीं बेलन से डर लगता है. ये नई कहावत लाएंगे. बेलन से तो यार हर किसी को ही लगता होगा डर. अमृतपाल, हालांकि मेरा बेलन का डर है नहीं, वैसे चिंता ना करो. इसके अलावा जी है केशव जी पूछ रहे हैं सर, आप क्योंकि लगातार वहां से मैसेजेस ले रहे हो, तो बोल रहे हैं व्हाई आर यू ऑलवेज ऑन फोन, दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द व्यूअर्स. आई एग्री, ये तो मैं भी मानता हूं. दैट यू शुड थर्ड दैट एंड यू शुड फोर्थ दैट एंड सौरभ आल्सो शुड फिफ्थ दैट. तेरा उसमें भी, वी ऑल आर इन एग्रीमेंट. ये तो आई एग्री, ये तौहीन है. यस, 60,000 लोगों की और 7 मिलियन के परिवार की भी. बाद में देखते हैं ना, कुछ तो लाइव देख रहे हैं, कुछ बाद में भी आकर. नहीं यार देखो, एक बात बताऊं, आजकल ना यार रील्स भी बहुत इंटरेस्टिंग बनती हैं, मतलब क्या ही करे बता. साहिल जी कह रहे राहुल सर विद दिस बोलिंग इवन 240 इज चेजेबल. 240 फिफ्थ लॉस होती. बाय द वे, क्योंकि इन्होंने मिड टेबल की बात करी, एक बार पॉइंट टेबल सिर्फ दिखा दें क्योंकि अभी तक दिखाया नहीं है. ये सवाल में इस पेज के सारे सवाल हो गए क्योंकि पॉइंट टेबल भाई बहुत ही बुरे तरीके से खुल गया है. अब जो लग रहा था कि ऊपर की टीमें अलग नीचे की अलग, वहां पर ऐसा हो गया है कि जलजला समझ गया है. और अब चेन्नई का मैच हैदराबाद से अगला, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. लखनऊ और राजस्थान का कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. दिन में दिल्ली मुंबई, ये उस दिन हमने बोला था कि आज से नॉकआउट शुरू, नॉकआउट वीक है ये. आप देखिए अभी कोलकाता, हालांकि पॉइंट सेवन वहीं पर है, नेट रन रेट इनका बड़ा सुपीरियर रहा था शुरुआत से ही, बट 8-5 कोलकाता, 8-5 सनराइजर्स, 8-5 लखनऊ. अब 4 वाली आ जाओ आप, चेन्नई भी 8-4 है तो ठीक है, चेन्नई को आप फिर भी रेस में ज्यादा बताओगे. बट दिल्ली गुजरात 9-9-4, ऐसा नहीं है कि इनके लिए बिल्कुल ही दरवाजे बंद, बट क्योंकि दिल्ली और गुजरात की टीम ने जिस तरीके से इनकंसिस्टेंसी दिखाई है इसलिए सवाल है. और कल की गेम्स जो है दिल्ली वर्सेस मुंबई, वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है. हो सकता है मुंबई हारते ही मुंबई भी मतलब हो जाएगी, खत्म ही हो गया मुंबई का सब कुछ. दिल्ली अगर जीत गई तो भाई दिल्ली को भी आप बोलोगे 5 हो गए, 5 में वो भी आते हैं.
और जो रात की गेम है राजस्थान वर्सेस लखनऊ, राजस्थान ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते कि हारे, बट राजस्थान चाहिए भाई ऊपर मेंटेन करो अपना, बाकी टीमों को भी है कि राजस्थान जीत जाए, हाँ उनके लिए उसमें फायदा है। और लखनऊ का ये है कि 8 में से 5 जीते, द मोमेंट लखनऊ कल जीत गई तो लखनऊ इनके लिए आगे फिर से पहला मैच चलते हैं, कल पहला है मुंबई दिल्ली, दिल्ली हाँ जी सर ठीक है। अगर मुंबई कल 9वां मैच अपना हार गया तो उनके 9 में 3 होंगे जो पंजाब के भी हैं, तो नीचे वाला पॉइंट्स टैली में चेंज नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली जो है वो 10 में 5 जीत के साथ 5वें नंबर पे पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन अगर डिपेंडिंग ऑन नेट नहीं नहीं 5 जीत 5 हो जाएगा ना, चेन्नई के ऊपर चले जाएगा, हालांकि उनके 10 मैच उनकी 8 है। लेकिन अगर कल मुंबई दिल्ली हार गया मुंबई जीत गया तो मुंबई भी 9 में 4 हो जाएगा, वो आ जाएंगे दिल्ली के ऊपर, हाँ वो दिल्ली के ऊपर चले जाएंगे उनके 10 में 4, वो 6 हो जाएंगे फिर। और फिर रात में जो है रात में टॉप हाफ में चेंजेस आ सकते हैं, राजस्थान अगर जीतता है तो कुछ नहीं होगा, लखनऊ अगर जीत जाती है तो लखनऊ सेकंड पोजीशन पे, लखनऊ सेकंड आ जाए, लखनऊ शायद एक और बार पहले सेकंड थी। जितनी टीमें हैं ना अब क्या हो गया, आप अपना मैच अब जितनी टीमें हैं, जितनी मतलब जितनी जब लखनऊ और राजस्थान का मैच होगा 8 टीमें यह चाहेंगी कि राजस्थान ही जीते, 8 टीमें यह चाहेंगी राजस्थान जीते, लखनऊ ना चाहेंगे हम जीते तो हम नहीं नहीं लखनऊ ना जीते भाई, अब राजस्थान के साथ किसी का कंपटीशन नहीं। एक और ना सर देखो, कल लखनऊ के अलावा हमारा ज्यादातर टीमें बाकी 9 की 9 टीमें चाहेंगी कि राजस्थान जीते, बट हमारा वी आर रॉयल ब्रदर्स, हमारा पॉइंट्स मैं तो चाहूंगा ये जीतते रहे, इनके पॉइंट्स बढ़ते रहे, एक साथ थे तो अब हम हो सकता है कल साथ में हो जाएं, 2-7 वो ऑपोजिट में, क्योंकि हम रॉयल ब्रदर्स एक साथ चल रहे हैं ना ऐसे, वो बराबर होते हार पे हम जीत पे, हमारा ऐसे चल उसमें उसमें ये है ना कल हम ऐसे ही हो जाएं। अब जो जीत रहा है जिसका डाउट नहीं है, हर टीम चाहेगी ये जीतता रहे कोई बात, लेकिन जो जिससे वो कंपीट करेंगे लखनऊ से सब कंपीट कर रहे हैं कल, हाँ एवरीबडी वुड वांट कि यार लखनऊ कल हार जाए किसी भी तरह से। और ये मैच कहां पे है, लखनऊ, लखनऊ में गुड गेम है, लखनऊ टीम आपकी बड़ी अच्छी बन गई है, बट कल का मैच हल्ला मुल कराना है, कल दो अच्छे मैच जीत के आए, पहला मुकाबला भी जो चेन्नई को हराया उन्होंने बैक टू बैक राजस्थान से हुआ था वो क्लोज, कल दिन का मुंबई जीत रहा है रात का, बल्कि जीता हुआ गेम आ रहे थे मैं कह सकता हूं, दिन का मुंबई जीत रहा है रात का राजस्थान, इन्होंने हमें अभी से ललकार, बता नहीं मुझे तो यार अभी भी लगता है कि ललकार के मतलब अभी भी मतलब मैं काफी वक्त मुंबई इस बार ना हो सकता है कि चला जाए, आप देखना पता चला बाद में मछली है भसड़, मुंबई ने पहुंचना है टॉप 4, आई माइट बी रॉन्ग तो खैर, बट ये ना ऊपर से किसी को वो एक खराब भी कर सकता तो होगा ना, देखो बहुत लंबा टूर्नामेंट, आधा टूर्नामेंट ही हुआ है अभी तक, कब से शुरू हुआ था ये 22 मार्च ठीक है, अभी आधा ही टूर्नामेंट हुआ, आता तो बचा हुआ है अभी। सूर्यांश ये कह रहे सर 520 प्लस रन 240 बॉले, क्रिकेट इससे बर्बाद नहीं हो रहा है, हो रहा है बट क्रिकेट को आपने गिमिक डाल दिए ना यार, आपको हमने तो गिमिक डाले नहीं, और अब तो जो प्लेयर्स हैं दे आर आल्सो नॉट हैप्पी विद द गिमिक्स ना, इंपैक्ट नहीं तो यार सब लोग बोल रहे हैं, आई थिंक बीसीसीआई को भी समझना चाहिए, किसी बैट्समैन ने बोला है, रोहित शर्मा ने बोला, शुभमन गिल का, शुभमन गिल रोहित शर्मा द कैप्टन, शुमन गिल ने बोला कि भाई ऑब्वियसली मतलब इंटरेस्टिंग जरूर हुआ है बट क्या वो सही है नहीं है, नहीं द कैप्टन बोल रहे हैं ना, हाँ और इंडिया कैप्टन बोल रहे हैं यार, अब अगर हर कोई बोल रहा है, हर एक गेंदबाज बोल रहा है, हर एक बॉलर बोल रहा है, हर एक ऑलराउंडर बोल रहा है, अगर आज इंडिया के कैप्टन है रोहित शर्मा वही बोल रहे हैं भाई इंपैक्ट पर क्या है क्यों है, तो इंडिया में थोड़ी ना, नहीं ये तो इंडिया में अपना आईपीएल नहीं नहीं लागू तो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी ना, इंडियन कैप्टन तो इंडिया वाला सिस्टम में हटा देना चाहिए यार, फ्रेंचाइजी को बोलो, बिग बैश ने क्या था वो क्या था पावर सर्ज पावर एक्स कुछ करके लाए थे, तीन रूम नेक्स्ट ईयर आईपीएल में आपको नहीं दिखेगा इंपैक्ट प्लेयर, उन्होंने भी कर दिया था वो था पावर सर्ज था और एक एक्स बूस्ट करके था, हाँ, वो डबल और एक ओवर पकड़ना है आपको कि दो जब आपको लेने वो ओवर स्कोर डबल हुआ, यार कुणाल पांड्या को आपने बधाई दी जनरल ना उनका उनका बेटा उनका बेटा, ओ यार कुणाल भाई को जो है ढेर सारी बधाई और उनके परिवार को भी पूरा, हो सकता है वो कल ना हो, हाँ हो सकता है कैप्टन परिवार के साथ हो, होना चाहिए यार मे भी कैप्टन हो, बिल्कुल होना चाहिए उनको परिवार के साथ होना चाहिए, यश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं बेस्ट बर्थ ऑफ अ चाइल्ड 108 नॉट आउट तो मिल लिए, हो सकता है कि भाई उनको अब देखो इंटरेस्टिंग हो गया है, क्या बात कर रहे हैं यार, हैं द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आईपीएल का मैच नहीं वो छोड़ सकते यार, आज बच्चा हुआ अगर नहीं बच्चा तो हो गया ना तो ऐसे थोड़ी होता है यार, यार फैमिली देख लिया मिल नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता यार, इमोशन नहीं, आई एम जस्ट सेइंग वो उनकी प्रेफरेंस है उनकी मर्जी है कि वाइफ भी है और ऐसा थोड़ी होता, हाँ तो वाइफ तो मशीन ने थोड़ी पैदा कर दिया था, चलो मशीन चलनी शुरू होगी,
ये थोड़ी होता है। यश चतुर्वेदी जी का सवाल बेस्ड टू कह रहे हैं कि 108 नॉट आउट ऑफ 48 वी कैन नॉट इमेजिन विराट एंड रोहित प्लेइंग दिस काइंड ऑफ इनिंग्स नाउअडेज विद दिस मच टारगेट, क्या कि होंगे नहीं होंगे पता चल ही जाएगा यार। ये ना जो सवाल क्या ही है, आप बेस्टों की तारीफ कर रहे हैं, बट मैं आपको ना दोनों का नाम आपने एड ऑन किया विराट रोहित का, या देखो विराट ने बहुत किया है और रोहित की अगर मेरे को याद आती तो चलो एक ऐसी याद ही आ गई, न्यूजीलैंड में उन्होंने लास्ट में छक्के छक्के मार के कौन सुपर सा ओवर, सुपर ओवर वाला ये देखो वर्ल्ड ब्रॉड स्मार्ट ब्रॉड बोल रहा हूँ, क्या नाम है इनका, सऊदी 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 रोज फंस जाते थे विराट और रोहित ने बहुत कुछ किया हुआ है, मतलब ये यार आज इनिंग पे उठा के बेस्टो को देखो, किसी को बढ़ाने दिखाने के लिए किसी को छोटा मत दिखाओ कभी लाइफ भाई। बेस्टो अभी बेस्टो तो ऑल फॉर्मेट में है ना, टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा ने भाई जिस दिन ट्रेन फंसी हुई थी सीरीज बेस्टो ने 18 में 48 में नहीं जितवाया कभी वर्ल्ड कप में, इसलिए ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत किया करो ऑन द लाइन उस दिन पर यार, 8 पर 28 जाओ ना, 18 पर 48 तो फिर भी लगता है 28 मत, ये कभी छोटा मत दिखाओ किसी दूसरे को, आप ये बोलो कि भाई हमारे प्लेयर्स को भी ये या वो देखना चाहिए माइंडसेट, वो सब अलग है, बट दिन पर तो कोई भी बड़ा बन जाएगा ना। अब आज सपोज कोई और आशुतोष शशांक ने जो किया तो एकदम से सबसे बड़े थोड़ी हो जाएंगे, और जो हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं बेस्टो ने भी 100 टेस्ट खेले, रोहित के तो 100 नहीं हुए, विराट ने 100 खेले, तो परफॉर्मेंसेस वहां पर आती जाती रहती है। राइस फैक्टर कह रहे हैं ग्रेट टू सी प्लेयर्स लाइक शशांक आशुतोष अभिषेक डूइंग वेल, बट क्या फायदा वर्ल्ड कप खेलने से 8 में 100 और 43 में 51 करने वाले जाएंगे। अरे यार तो आपको लगता है राइस फैक्टर जी कि शशांक और आशुतोष को इस T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया जाए एज ओपनर नंबर 3? बात वो नहीं है उनकी, आई डोंट थिंक वो कह रहे हैं कि उनको सिलेक्ट करो, बट वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो वो वैसा क्यों नहीं कर सकते, इस बार करेंगे यार, आप हिम्मत रखिए। लॉस्ट बॉय कह रहे हैं एक सवाल है, लुक बिटवीन क्यू एंड ई ऑन योर कीबोर्ड, क्या होता है, बाद में मैच का क्या हुआ था ये भी बताइए, क्यू और ई के क्या है भाई, विन विन के लिए बोला डब्ल्यू, बट क्यू और ई क्यू मतलब, अरे वो आजकल एक ट्रेंड है, नहीं वो तो मैं समझ गया, बहुत ही मतलब अजीब सा और फालतू सी चीज है, ऐसे होता है कुछ भी चल रहा है, और दूसरा बट एक को होता है ना दोस्त, वो तो सब ठीक है, रोज नया चवनप्राश, बट इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है क्यू एंड ई के बीच में, देख तो लेंगे हम डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर पंजाब विन शायद, वही तो बोल रहा हूँ रेफरेंस होना चाहिए ना, he is a lost boy na, he is searching for मतलब आपने जी मतलब मनोज की का चेहरा दिखा दिया होता या बेस्टो का चेहरा दिखा दिया होता तो महेश हो यार हमारे भाई महेश, महेश मैं आपको बता दूं वैसे आपसे पता नहीं दीपक आपके सवाल तो ले नहीं पाते होंगे, वो लाइव वगैरह तो करते हैं सुबह बहुत सारे, वो मिलते हैं रोज आपके बारे में पूछते हैं कि महेश बोंबाटकर जी जो आज मतलब मेरे ख्याल से कितने दिनों बाद आए, महेश भाई पीछे भी आए एक दिन, मतलब कल आए थे, मिलेंगे क्लियर अपीयरेंस। महेश भाई कह रहे हैं श्रेयस अय्यर नॉट अलाउिंग रिंकू टू बैट अप द ऑर्डर सेम एज व्हाट संजू सैमसन डूइंग विद ध्रुव जुरेल, इज दिस ड्यू टू वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्शन लाइक बिकॉज इट्स पेंडिंग, यार देखो पेंडिंग में ऐसा है श्रेयस अय्यर का तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, मतलब श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर को मालूम है कि वो नहीं है, अगर उनको नहीं पता तो शायद वो मतलब किसी, बट आप रूल आउट कर देता है प्लेयर अपने आप को, उन्होंने खुद ही कर दिया कि मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूं केएल राहुल, वो भी नहीं थे दूर दूर तक सर केएल, तो बट उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, हम में से किसी ने भी कहा कि केएल राहुल इज आउट ऑफ द कंटेंशन की बिल्कुल ही नहीं, मैंने कहा था नहीं बट आईपीएल से पहले, सबसे पहले आपने आईपीएल पहले उससे पहले आपने कहा था, मैंने सबसे आगे वही आई, मैंने बहुत पहले कहा था कि ये विकेट कीपरों का जो मर्जी ड्रामा हो जाए केएल राहुल जाएंगे, बट जब उनको वो चोट लगी और ये और टेस्ट मैच ये वो, आप याद कीजिए आज कुछ लोग उनको अपनी 15 की टीमों में कप्तान वाइस कप्तान बना रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आईपीएल की शुरुआत भूल गए सब लोग, पहले वो एक महीना चोटिल थे कीपर क्या, फिर उसके बाद उन्होंने पहले मैच में कीपिंग की, अगले में फिर अचानक नहीं, पहले एनसीए ने कहा ये कीपिंग नहीं करनी, इन्होंने जबरदस्ती कर दी, अगले मैच में वो दो मैच खेले नहीं वो कि वो सिर्फ बैटिंग बैट प्लेयर क्योंकि उनको इंजरी मैनेजमेंट करनी है, फिर अचानक से किसी अगले मैच में फिर से फिर कीपिंग कर दी, तो अभी आप ले जाओगे सिर्फ जॉक्स खाते सर, अभी आप ले जाओगे इंडियन, तो ले जाएंगे इंडियन सिलेक्शन आपको, जब से श्रेयस अय्यर दूसरा, श्रेयस अय्यर को आप क्यों कह रहे हो क्यों का चाहो सर, श्रेयस अय्यर का डॉन ब्रैडमैन भी होना आज की डेट में तो वो भी नहीं जाएंगे, राहुल जाएंगे, बट डॉन ब्रैडमैन टेस्ट फॉर्मेट में खेलते थे, फिर आप वही राहुल आ रहा हूं डॉन ब्रैडमैन टेस्ट, अरे मैं बता रहा हूं कि यार आप टेस्ट प्लेयर नहीं खेलते, दूसरी बात एक सेकंड, आपके इंडिया में टेस्ट प्लेयर T20 नहीं खेलना चाहते, लोग खेलते हैं, देखो केएल राहुल की सबसे बड़ी बात क्या है, लोग खेलते हैं आईपीएल टू आईपीएल, यानी आज आईपीएल खेला उसके बाद गायब है सब, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड सब गायब है, वो फिर दिखेंगे आपको कब,
अगले आईपीएल में। केएल राहुल की गलती, टी20 वर्ल्ड कप राहुल की गलती, मैनेजमेंट की 22, उसके बाद सीधे 24 में अगले। राहुल तो भाई मैनेजमेंट का भी तो है वहां पर, क्या चलता है थोड़ा बहुत भाई। ये राहुल की काबिलियत है, मैनेजमेंट की भी काबिलियत है, बोल रहे हैं। करें सत श्री अकाल सारियानू, आज 80 आईपीएल जीत गए रमनप्रीत जी। रमन जी कनाडा, ऐसा नहीं सोचना है कि एक मैच से आईपीएल, पांच मैच और जीतने। ओम्स म्यूजिकल म्यूजिक चैनल है, वो कह रहे जिग्नेश शेयर फ्रॉम वैंकूवर, लिविंग विद पंजाबी कम्युनिटी हियर एंड हैप्पी फॉर देम ऑल, वॉच ऑल योर वीडियोस, अमेजिंग चीज, टू मी शशांक वाज द डिफरेंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। रितेश जी कह रहे विराट्स वीकनेस गेट्स हिडन एज ही मेक्स 50-60 रन बट इन 40-45 बॉल्स इन क्रंच वर्ल्ड कप मैचेस ही विल बी वीकेस्ट लिंक, बीसीसीआई नो करेज टू रिटेन ओनली रोहित। रितेश जी कह रहे, दीपक कुमार जी कह रहे, आई डोंट नो व्हाई पीपल ऑन ट्विटर क्राइंग अबाउट, वी नीड लो स्कोरिंग थ्रिलर्स, पीपल हैव टू रियलाइज टी20 इज नॉट द सेम क्रिकेट व्हिच इट यूज्ड टू बी 2-3 इयर्स बैक। साहिल जी कह रहे, विक्रांत सर हाउ डू यू रेट जायसवाल रिंकू, 8 मैच जायसवाल 215 रन, रिंकू 108, डोंट यू थिंक दुबे शशांक अभिषेक आशुतोष शुड बी पिक्ड अहेड ऑफ देम। देखो वर्ल्ड कप ना कभी ऐसे नहीं होता कि लास्ट 5 मैच उठा लो। शशांक आशुतोष ये अभी आए हैं तो यू हैव टू एडमिट कि यार वो नहीं। दुबे तो भाई वो आपको कह रहे हैं, ही इज क्राइंग कि लो मुझे वो लो। आएंगे, वो तो रिंकू आएंगे। की जहां तक बात है, हाँ रिंकू के इस आईपीएल में रन नहीं आए हैं, बट रिंकू को अपॉर्चुनिटीज भी कम मिली हैं, कम मिली है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मिली है, कम मिली है, बट रिंकू का ये अभी तक अमेजिंग सीजन भी नहीं गया। यशस्वी जायसवाल अगर आप उनसे पूछें, ही बी वेरी डिसअपॉइंटेड जो ये साल हुआ है, लेकिन उन्होंने भी 100 बनाया। फिर उनको परसों आई थिंक एक और मैच मिल रहा है, कल ही मिल रहा है, कल उनकी गेम है। सबसे बड़ी बात आई थिंक जो दुबे को लेकर आपने बोली ना, अफगानिस्तान वाली जो सीरीज हुई थी उसको मैन ऑफ द सीरीज भी थे। अब चूंकि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर है, वहां पे 2 विकेटें भी थी उनकी, गेंदबाजी भी की थी उन्होंने। मनीष शर्मा भी यही कह रहे हैं कि वो बीसीसीआई फोकस क्यों कर रहा है। पुजारा हरमा विहारी राहुल द्रविड़ क्या वो कह रहे हैं कि अच्छा, उस तरह के नहीं, वो कह रहे हैं कि टी20 में भी पुजारा हनुमा विहारी राहुल द्रविड़ टाइप चीज तो नहीं हो रही। वो कह रहे हैं आशुतोष शशांक के लिए तो अभी जल्दी है। देखो आप ये भी समझें कि अभी टी20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि भाई एक बहुत अहम जिम्बाब्वे दौरा भी है और श्रीलंका का भी, जो भाई आप लोग कहते हैं उसके लिए तो आपको प्लेयर सही जो वर्ल्ड कप के बाद वो छोड़ दो, तो वो जिम्बाब्वे श्रीलंका नहीं भेजोगे, अभी आप लड़कों को भेज दो, इंपॉर्टेंट दौरा नहीं है वो सर, वो टाइम पास दौरा होगा, आप सारे प्लेयर थके होंगे। नहीं बट आप वरुण चक्रवर्ती को वर्ल्ड कप भेजोगे अभी? नहीं यार देखो वर्ल्ड चैंपियन क्या जिम्बाब्वे जाएंगे? अरे तभी तो बोला कि इन लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट दौरा यही बेचारे जाएंगे नहीं, और फिर उसके बाद 2 साल बाद जब वर्ल्ड टी20 आएगा इनको यार आप लोग कैसे, आप लोगों ने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी हैं। हम टी20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीतेंगे भाई? जीतेंगे भाई, तो वही तो बोल रहा हूँ। अरे वो सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं जिम्बाब्वे और वर्ल्ड कप, वो तो वर्ल्ड कप के बाद है जो सब रेस्ट करेंगे। मैं ये ट्रॉफी सेलिब्रेशन फेलिसिटेशन, बड़े खिलाड़ी कहाँ बनते हैं जो जिनका भी डेब्यू वगैरह होता है? केएल राहुल भी शायद जिम्बाब्वे में हुए, विराट को कप्तानी भी शायद पहले, सुरेश रैना को भी कभी होता है, सुरेश रैना काफी प्लेयर्स को डेब्यू जिम्बाब्वे। केएल राहुल आप टी20 वर्ल्ड कप ले जाओगे? आप अभी तो नहीं, नहीं उसका डर है, अगर ये नए नए लड़कों को आप ले जाते हो, अगर ये नहीं अच्छा करते तो इनके करियर पे भी खतरा बनता है ना, इसलिए तो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट दिखाओ। लोग वही बोलेंगे कि आप रिंकू क्यों बोल रहे हो, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट आने दो, इमोशनल मत हो। नहीं रिंकू तो खेल लिए ना। राहुल जी हैं, वो कह रहे हैं हाई स्पोर्ट्स सर, ग्रेट फैन ऑल ऑफ यू, आफ्टर फैन नहीं आप हमारे फैम हो, फैमिली। आफ्टर दिस मैच आई एम स्केयर्ड अबाउट इंडियन टीम वर्ल्ड कप के लिहाज से, रिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, दे आर लेजेंड्स, बट टी20 उनके लिए अब शायद नहीं है। हाउ मेनी वर्ल्ड कप्स विल दे प्ले एंड विद पावर हिटिंग, विद नो पावर हिटिंग शायद वो कह रहे थे, और केरला से उन्होंने हमें प्यार भेजा है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। और सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप किसने खेले होंगे? इंटरनेशनली बोल रहा हूँ मैं, टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ही खेले, 2007 से खेले, अब शोएब मलिक तो है नहीं, वरना वो होते, वरना वो होते शोएब मलिक होते, रोहित शर्मा आई थिंक सारे में ही रहे हैं, 7-9 तो सब में रहे हैं, सब में रहे, ठीक है, बैक टू बैक, और कोई नहीं है ना, 12-14 और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है ना, 21 और 22 गप्टिल तो पिछले में बेंच पे थे, मतलब टीम में थे ना, टीम में दिनेश कार्तिक होते, न्यूजीलैंड वालों को सही रहता है, वो क्या करते हैं कि जैसे आप रिटायरमेंट नहीं ले रहे तो आपके स्कूल में टीम अनाउंसमेंट रख देंगे और उस दिन बोल देते हैं थैंक्स गपी, गपी नहीं, पिछली बार तो उन्होंने खैर बड़ा अमेजिंग सही वर्ल्ड कप जो अनाउंसमेंट करा था स्क्वाड, वो तो उनकी टीम बच्चों के साथ आई थी ना, किड्स और उनके वाइफ्स के साथ,
उनकी आ जाएगी शायद, कल उनका मैच है पाकिस्तान वाला, हो सकता है परसों सुबह सुबह उनकी टीम आ जाए। सबसे पहले न्यूजीलैंड अनाउंस करती है वर्ल्ड कप की टीम, सुबह भी वहां जल्दी, दिन भी वहां जल्दी आता। भास्कर जी कह रहे हैं वाओ ग्रेट ग्रेट मैच, पंजाब किंग्स यू बीटी ब्यूटी ब्यूटी सॉरी वाओ, क्यों इंडियन टीम विराट हार्दिक रोहित के पीछे लगे हो, गो एटलीस्ट इन टी ट्वेंटी छोड़ो यार, आई लाइक दिस मैन शशांक आशुतोष अभिषेक दे आर आज के टी ट्वेंटी प्लेयर्स नीड देम। संदीप जी कह रहे हैं विक्रांत सर प्लीज गुरबानी की लाइन को रिस्पेक्टफुली बोला करो सर, बिग फैन ऑफ यू, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूशन हो, एंड राहुल भाई इतनी नेगेटिविटी क्यों, ये सर कौन सी लाइन में है पहले तो आप, बट गुरबानी की कौन सी लाइन में, सॉरी मैं मुझे मतलब एक ही चीज की मुझे नॉलेज नहीं थी, जब मैंने कहा था कि आपने कोई वो बोला था ना फ्रेज की इसके बाद क्या आता है, तो वो तो नहीं है उनमें से, नहीं नहीं आपने कुछ बोला था ना कि बुर्रा के बाद आप पूछ रहे थे मुझसे कुछ, नहीं 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 गुरबानी की लाइन, हां गुरबानी का तो हमने कुछ जिक्र किया नहीं है, और यार ऐसे अगर बाई चांस वो सब तो नहीं जो सवा लाख से, वो तो नहीं है, वो वैसे हम यूज करते हैं और उसको कभी यार मजाक के तौर पर नहीं, वो तो एक तरह से मुहावरा भी हो गया है, हां हो गया, और ऐसे यार किसी की भी यहां पर इंटेंशन, हां तो ये तो भाई माफी चाहते हैं, अगर ऐसी कई किसी की वो ना सोच रहते ना कुछ है। मेजर टॉक्स जी कह रहे हैं विकांत सर डू यू सी दिस हाइप ऑफ रन स्कोरिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड कप, कैन वी एक्सपेक्ट सच हाई चेजेस एज वेल, यार इतने रन तो नहीं बनेंगे बट रन बनेंगे जो प्रीवियस वर्ल्ड कप थे उससे बेटर बनेंगे, द स्टैंडर्ड हैज गॉन अप यार। इविल प्रिंस कह रहे हैं राहुल भाई को हंसा दो यार, यार मैं तब से तो यार हंसी रहा हूं, इन्होंने हजार रुपए खर्चे थे तब इनकी वजह से, राहुल भाई ने हां बोला है, जिस दिन जाएंगे ना आप पार्टी, कोई और आए ना आए दोस्त आप जरूर आना और आपको जरूर बुलाएंगे। थाला जी हैं वो कह रहे हैं पाजी आप यही हो हम भी, वर्ल्ड कप में 180 भी विनिंग होगा तभी बेस्ट बोलर्स लाइक पाकिस्तान इन 2022 फाइनल जाती है विद वर्स्ट बैटर्स, वहां प्रेशर होता है तभी वीके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है, इट्स आईपीएल मॉकरी ऑफ बोलर्स क्लब लाइक स्कोर्स, यार आपकी सारी बातें चलो मैं एक टाइम कह दूं बट मतलब कि बेस्ट बोलर्स लाइक पाकिस्तान, मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी बोलिंग लाइनअप का कोई जवाब ही नहीं था, बट वो ठीक है बोलिंग एफर्ट पर जरूर वो आगे तक पहुंचे वो चीज थी, बट ऐसा नहीं था कि उनकी बोलिंग छू ही नहीं सकते थे आप कोई भी। विराट कोहली जी हैं वो कह रहे हैं कि टी ट्वेंटी चेंज हुआ है पता है पर वर्ल्ड कप में 250 बनेगा क्वेश्चन मार्क, नहीं 200 बनेगा मे बी यस बट इन हाउ मेनी मैचेस, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम खत्म कर रहा है, फ्लैट पिचेस की हैबिट लगा रहे हैं, ओवरसीज इनसे खेला नहीं जाएगा, ऑलराउंडर्स तो खत्म ही कर दिए, बट टी ट्वेंटी में यार आई थिंक विकटें आपको ज्यादातर बैटर्स फ्रेंडली ही मिलती है, टी ट्वेंटी में ही नहीं होता कि बॉल मूव हो रहा है और कुछ मैचेस और कुछ विकटें जरूर होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा आपको बल्लेबाजों के लिए मिलती है मदद। मिराज रूल जी कह रहे हैं पंजाब वॉज बैटिंग विद अ चीट कोड बल्ले बल्ले, केकेआर शुड हैव प्रेस्ड ऑल्ट F4 दैट वुड हैव सेव्ड देम, सबने स्प्रिंग लगाई थी आज पंजाब ने, सबके पास रिकी पॉन्टिंग वाले बल्ले थे। सतनाम सिंह जी को शाउट आउट है जी। आदित्य जी कह रहे विकांत सर कैन अ विन लाइक दिस लिफ्ट द क्लब्स मेंटालिटी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अ लॉन्ग टाइम पंजाब फैन लाइक यू, आई होप सो कि उस डगआउट में सेंस ऑफ बिलीफ आए, बट आप जब टूर्नामेंट खेलने आते हो ना यार ऑल सेड एंड डन शुरू करते हो, फैंस आपको टॉप फोर में देखना चाहते हैं, ठीक है ना जी, जब आपको फैंस टॉप फोर उसके बाद आप इतने क्लोज मैच हारते हो, आज अगर मैं पंजाब का फैन हूँ या पंजाब का टीम हूँ या मैं पंजाब का प्लेयर हूँ मुझे गिला ज्यादा होगा, गिला ये होगा कि यार हम इतना अच्छा खेल सकते थे हमने किया क्या। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट लाइव एनालिसिस स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।